बोला राणा साहब एक बात बताओ, आपके यहाँ 1% वोट आए, आप हिसार में क्यों नहीं करते? एक दफा हिसार के सारा समाज पटा हुआ है। ये मेरे को उस वक्त जो बात उसने कही मेरे को बहुत नीचा देखना पड़ा। तो मैं साथ में यही कहूँ, अपने हिसार की जो समाज है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से खिंचाव है। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे। आप जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, सैनी समाज की एक मीटिंग चल रही है जिसके ऊपर ये निर्णय लिया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में सैनी समाज किसको यहाँ मैदान में उतारेगा और किस प्रकार से उतारेगा, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो टिकट देंगी, और इस बात पर सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रीतम सैनी जी जो यहाँ के वार्ड के MC है, और साथ में अनिल मान जी जो भी यहाँ के MC है और भी सैनी समाज के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सारी किस प्रकार से ये मीटिंग कार्यक्रम हो रहा है और इसके आगे क्या रणनीति होगी। हाँ जी सर, आपसे बताइए कि जो आज की मीटिंग चल रही है सैनी समाज की, इस बारे में जो निर्णय लिया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये समाज की एकजुटता के लिए है, जो समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज की भलाई के लिए और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। जो समाज के अधिकार हैं वो सरकार से या किसी भी मांग, जो भी पार्टी पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल हिसाब से ताकत की भी जरूरत होती है, तो ये सभी पार्टियों से डिमांड है, जो भी समाज की, हमारे समाज का मान सम्मान करेगा, हमारा समाज उस पार्टी के साथ उस कैंडिडेट की मदद करेगा और समाज के उत्थान के लिए मीटिंग बुलाई है। अनिल माल जी से जानना चाहेंगे सर, जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो जो टिकट अगर जो मुख्य पे टिकट देती है, चाहे वो BJP हो या कांग्रेस हो, अलग अलग पार्टियां अगर टिकट देती है तो उस सूरत में क्या करेंगे? अगर BJP भी टिकट देती है सैनी समाज को और कांग्रेस भी सैनी समाज को टिकट देती है, उस सूरत में क्या किया जाएगा? उस सूरत में तो हम यही कहेंगे भाई, जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी अगर किसी को टिकट देती है जिसमें जो मजबूत उम्मीदवार हो, समाज को उसका साथ देना चाहिए। सैनी समाज आज टिकट की दावेदारी पेश कर रहा है, तो किन तथ्यों पर टिकट की दावेदारी पेश कर रहा है विधानसभा से? हिसार जिले में सैनी समाज का बड़ा वर्चस्व रहा है, चाहे हासी विधानसभा हो, चाहे हिसार विधानसभा हो, या हमारे समाज के लोग मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, चेयरमैन भी बने हैं, और कम से कम पूरे हिसार जिले में 50,000 सैनी समाज की हमारी संख्या है। तो राजनीतिक पार्टी में तो यही है कि समाज के हिसाब से टिकटें दिख जाती है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि समाज को भी प्रतिनिधि मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे को 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने हमारे सीनियर नेता चौधरी हरि सिंह सैनी जी को मौका दिया था, जो वो मंत्री भी बने थे। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी ने भी हमारे समाज के नेता चौधरी हरि सिंह सैनी जी को मौका दिया, जो मंत्री बने। उसके बाद हमारे समाज को किसने प्रतिनिधि दिया? हाँ, 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी का कुछ वर्षव नहीं था तो हमारे दोस्त हमारे समाज को हिसार और रांची में टिकट देने का काम किया था। उसके बाद जब पार्टी उभरी लेकिन हमारे समाज को कोई मौका नहीं दिया। हम तो यही कहेंगे पार्टी से कि भी इस बार हमारे समाज को मौका दिया जाए, इसीलिए समाज इकट्ठा हुआ है, क्योंकि समाज पहले 2-3 गुटों में बटा हुआ था। तो सभी से यही थे भाई आज इकट्ठे हो, अब चुनावी वर्ष आ गया, चुनाव में ही वो कहते हैं ना भी ब्याह में रुसा और ब्याह में मनाया जाता है, ऐसे ही माहौल था, चुनाव में सारे इकट्ठे हैं। मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ कि समाज के युवा साथियों ने जो एक बड़ी पहल करी है, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल सर, अभी हम जो है आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और कितनी जनसंख्या में लोग यहाँ आए? ये शहर के हिसार शहर के सारे मुख्य मुख्य प्रमुख आदमी जो इकट्ठे हुए हैं ये इस पे संज्ञान लेने के लिए कि चुनाव की स्थिति में किया गया है। अभी तो पूरा समाज इकट्ठा होगा तो वो तो बड़ी रैली हो जाएगी, ये तो एक सुझाव के लिए और इस चीज के लिए विचार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सारा समाज अब एक हो चुका है, ये आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा, और जो भी पार्टी कोई किसी भी पार्टी है समाज के भले के लिए कार्य करेगी, समाज उसका साथ देगा, समाज जो भी विचार करके किसका साथ देना है, किसका कैसे करना है, समाज की भलाई के लिए जो भी करेगा सारा समाज उस पर अपना खरा उतरेगा। अभी हम सर से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम है। सर आप पहले तो परिचय दे दीजिए हमारे, आपका परिचय बता दीजिए पहले तो। देवेंद्र सैनी। देवेंद्र जी, आज समाज के प्रमुख लोग एकत्रित हुए हैं, तो किस प्रकार से लोगों की क्या विचारधारा, क्या राय बन रही है आज की?
आज की जो राय बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है, आने वाले समय में किस प्रकार से इस राय को देखा जा सकता है? आने वाले समय में इस राय को और आगे बढ़ाएंगे और आने वाली 29 तारीख को एक बड़ी मीटिंग करने का प्रोग्राम बनाया जा रहे हैं और समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं युवा साथी हमारे, और मीटिंग चल रही है इस विषय में कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे सैन्य समाज की भागीदारी। तो दर्शकों, जिस प्रकार की आपको पता है सैनी समाज की एक मीटिंग सैनी अथाई में हो रही है और वहां पर चर्चाएं की जा रही है कि राजनीति में आने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए सभी सारा समाज एकजुट होकर के काम करे, इसी बारे में हमारे साथ जुड़े हैं रवि सैनी जी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी की तरफ से पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और काफी प्रभावशाली नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर, आज जो अपनी सैनी समाज की मीटिंग हुई है और किस प्रकार की इसमें बातें रखी गई है और किस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं? आज सैनी समाज की मीटिंग हिसार के अंदर सैनी भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें सैनी समाज के सभी प्रमुख लोग इकट्ठे हुए हैं और सैनी समाज ने एक निर्णय लिया है कि सैनी समाज को जो भी पार्टी नेतृत्व देगी समाज उसको जिताने का कार्य करेगा। सैनी समाज एक इतना बड़ा समाज है जो कि उसको कोई भी पार्टी राजनीति से वंचित ना रखा जाए, क्योंकि हिसार के अंदर हमारे हांसी बरवाला और हिसार के अंदर सैनी समाज का काफ़ी वोट है और सैनी समाज एक ऐसा समाज है जिसकी वोटों की परसेंटेज हर विधानसभा के अंदर भागीदारी निर्णायक होती है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सैनी समाज में कहीं ना कहीं खींचतान होती है क्योंकि सभी पार्टियों में बटे हुए हैं सैनी समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, इस बार किस प्रकार से होगा? आज सैनी समाज की जो ये एक बैठक हुई है इसके अंदर समाज के सभी प्रमुख लोगों ने बैठ करके ये निर्णय लिया है जो भी पार्टी सैनी समाज को टिकट देगी हम सभी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे और उसको विजय बनाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा कभी संयोग बनता है कि बीजेपी पार्टी भी सैनी समाज को टिकट दे या कांग्रेस पार्टी भी सैनी समाज को टिकट दे या जेजेपी पार्टी भी सैनी समाज को टिकट दे, उस सूरत में सैनी समाज किसके साथ जुड़ेगा? सैनी समाज किसी को भी, समाज के किसी भी व्यक्ति को भी कोई भी पार्टी टिकट देगी समाज एकजुटता से उसके साथ लगेगा, उसको विजय जिताने का काम करेगा। धन्यवाद। क्या नाम है? ओम प्रकाश सैनी। आज जो मीटिंग हुई है जिसके अंदर सारा सैनी समाज एक होने का दावा कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आज हम सभी सैनी समाज के लोगों को, जैसे बरवाड़ा, हांसी और हिसार तीन विधानसभा क्षेत्र से सभी सैनी जो मेन मुख्य हमारे सैनी समाज के थे उन सबको आमंत्रित किया, सभी आए हैं। सभी के एक ही राय है, हम सभी पार्टियों से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, हम टिकट मांग रहे हैं। यदि कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी हम, हमारा सैनी समाज एकत्रित होकर के एक व्यक्ति को प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से उठा करके से आजाद हमें चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन समाज की एकता दिखाने के लिए हम पार्टी को दिखा देंगे कि समाज की ताकत क्या है, समाज क्या कर सकता है। समाज इकट्ठा रहेगा, इकट्ठा चुनाव लड़ेगा। अगर दो पार्टियां जैसे चुनाव दे देती तो फिर हम समाज इकट्ठा होकर के ये निर्णय लेंगे कि कौन सा व्यक्ति हमारे में इसमें मुख्य रूप से आगे बढ़ लो ताकतवर है, समाज की भलाई के लिए कौन सा कार्य कर सकता है, तो एक कैंडिडेट को हम डमी बना देंगे, एक के साथ लग करके चुनाव लड़ाएंगे। हमने ये मुहिम चलाए कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं, हम हल्के के अंदर घूम रहे हैं समाज को एकता करने के लिए, समाज की इकट्ठा करने के लिए। और समाज ये आज हम दावा से कह सकते हैं कि जो जो कोई हमारे समाज की अनदेखी करेगा वो पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, और हम अपनी ताकत दिखाएंगे और सारी पार्टियों को दिखाएंगे कि हम समाज के व्यक्ति
पूरे हरियाणा में किस प्रकार से इकट्ठे हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, समाज की भलाई के लिए तत्पर रहेंगे तन मन धन से, चाहे कुछ भी करना पड़े, पार्टी टिकट दे ना दे हम पार्टी की तरफ नहीं भागते, हम अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए प्रयास रहेंगे और प्रयास जारी रहेंगे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, सैनी समाज जो है हिसार, बरवाला और हासी में काफी संख्या में मौजूद है, तो इसकी संख्या की बात की जाए तो कितनी संख्या होगी हिसार में, बरवाला में, हासी में? हिसार के अंदर हमारी संख्या है वोटर लगभग 28,000 वोट हमारे सैनी समाज के हैं। हासी के अंदर इसी प्रकार से लगभग 24-25,000 वोट हमारे हासी के अंदर हैं, 15,000 वोट हमारे बरवाला हल्के के अंदर हैं। इस प्रकार से दूसरे छोटे जो हमारे बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। केवल एक आह्वान सैनी समाज की तरफ से चला जाए कि हम अपना वोट अपने समाज के अंदर डालेंगे, अपने व्यक्ति अपने घर में देंगे, किसी दूसरे को वोट नहीं देंगे, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे कैंडिडेट को कोई हरा दे। जी जी धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ मौजूद है, क्या शुभ नाम है सर आपका? महावीर सिंह सैनी, मैं 7 रोड से हल्का बरवाड़ा से हूँ। जी जी, हमने एक ही बात चलाई है, बरवाड़ा से शुरू हुई थी ये मुहिम, कि हम ये कह दें कि हम हमारे समाज में वोट देंगे और हमारे समाज में वोट देने के बाद मैं स्टैटिकल डाटा की बात करता हूं कि ये समाज पिछड़े वर्ग में नंबर 2 नंबर पे समाज आता है, 1 नंबर का समाज एक कोने में, 1 नंबर का समाज एक कोने में सिमटा हुआ है। यादव समाज वो अपनी राजनीति सुरक्षित राजनीति करता है। यदि हरियाणा में आज कोई बैकवर्ड समाज में लीड कर रहा है, नेतृत्व तो हरियाणा को देने की कोशिश कर रहा है, तो वो सैनी समाज है। और जिस दिन सैनी समाज ने एक होने की कह दिया तो हम सैनी समाज का नेतृत्व हरियाणा में इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ की 3 सीटों की तो बात ही छोड़ो, हिसार, रांची और बरवाड़ा में तो हमें कोई हम अनपोज जीतेंगे। और हरियाणा की भी मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर नहीं है। जिस दिन हरियाणा के समाज में ये सैनी समाज ये कह देगा कि वोट घर में डालेंगे, मैं यही आशा करते हुए इस पूरे सैनी समाज के, हरियाणा के पूरे सैनी समाज से निवेदन करूंगा कि आज से ये कहना शुरू कर दें कि भाई वोट तो घर में रखने की चीज है, और जिस दिन वोट घर में रख लिया तो बाहर का तारा दौरा अपने आप आएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अभी हमारे साथ प्रीतम सैनी सर जुड़े हैं, एक मिनट। अभी हमारे देवेंद्र सैनी जी जुड़े हैं जो हरी सिंह सैनी जी के सुपुत्र हैं और वो इस कार्यक्रम मीटिंग में आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। तो सर, जहां पर अभी बात की जा रही है सारे समाज को एक करने की, अभी हमारे साथ जैसा कि सैनी समाज की मीटिंग चल रही है और हिसार, बरवाला और हासी से भी सैनी समाज के बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं जो माने हुए लोग हैं, अभी हमारे साथ हरी सिंह सैनी जी के सुपुत्र देवेंद्र सैनी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आज जो मीटिंग में फैसला लिया गया है कि सारा सैनी समाज एक होगा, एक होकर के काम करेगा, तो बात की जाए हरी सिंह सैनी जी या उनकी पुत्रवधू जो राजनीति में सक्रिय हैं, तो वो किस प्रकार से सैनी समाज का सहयोग करेंगे? जब समाज का संगठित होने की जब बात है तो हरी सिंह सैनी का परिवार भी, चाहे वो रेखा सैनी और चाहे देवेंद्र सैनी, वो भी समाज के साथ ही रहेंगे। जो समाज फैसला करेगा मिलकर, जिसके साथ फैसला करेगा, इसमें चाहे पार्टी लाइन से हटके भी फिर कहीं जाना पड़े। जी, तो धन्यवाद देवेंद्र जी का। अभी हमारे साथ रामनिवास राडा जी जुड़े हैं जो पहले भी बरवाला हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं और सैनी समाज के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। नमस्कार सर, एसवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो मीटिंग हुई है इस बारे में क्या मुख्य एजेंडा रखा गया और किस किस बातों में सहमति बनी है? मैंने 2009 में हिसार से चुनाव लड़ा विधानसभा का, 2014 में बरवाड़ा विधानसभा चुनाव लड़ा, तो उस समय जो 95% वोट जो है सैनी समाज के मेरे एक तरफ आए थे। आज हमारे हिसार के जो हिसार है, बरवाड़ा है और हासी है, तो हमारा सैनी समाज काफ़ी तादाद में है। तो हर कई बार जो हासी का विधायक सैनी समाज से बने हैं, एक बार नहीं 4-5 बार हिसार से हमारे हरी सिंह सैनी भी बन चुके हैं। आज सारा सैनी समाज एकजुट होकर के, अगर जो समाज एकजुट होकर के चले तो सैनी समाज को विधायक बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। सैनी समाज एक ऐसा समाज है, बहुत मेहनती समाज है, जो किसान का काम करता है, खेती का काम करता है, तो समाज जो है बहुत मेहनती है। तो समाज अगर एकत्रित सारा इकट्ठा होने पर, आज जो इन्होंने मुहिम चलाई है, ये मुहिम आज से नहीं 15-20 दिन से चल रही है, तो मैं इतना ही कहूँगा ज़्यादा ना बोलते हुए, अगर जो समाज जो चाहेगा,
मैं उसी के साथ हूं जो समाज चाहेगा। मैं बरवाड़ा से कांग्रेस का टिटारथी हूं, और मेरे हो सकता है कुलदीप जी बिश्नोई जो है मैंने उसको दिए हो, या वो टिकट मिले या ना मिले, वो जैसे भी है, देखो वो तो भगवान की कृपा पर बात है, मिलती है नहीं मिलती है। अगर टिकट हमारे को तीनों हलकों में कोई किसी को नहीं मिलेगी तो जो समाज फैसला करेगा हम उसके साथ होकर के एक समाज का आदमी खड़ा करके साथ लगेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। हम समाज के साथ हैं, पहले सबसे पहले हमारा समाज है, और समाज के लिए हम जी जान जान देने के लिए भी तैयार हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि विधानसभा इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन आए उस समय तो ये बातें की जाती है कि सारा समाज एक हो जाए, एक होकर के काम करेंगे, लेकिन उस जब इलेक्शन आ जाता है नज़दीक तब वही खींचतान वाला कार्य होता है, तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा या कुछ अलग होगा? पहले इतनी हमारे सैनी समाज में किसी ने मुहिम नहीं चलाई थी, अब जो मुहिम चली है 15-20 दिन से चलने लग रही है, वो इसी बात के लिए चल रही है कि समाज पिछड़ा हुआ है, समाज बिखर रहा है, इस मारी इकट्ठा करने के लिए हमारे आदरणीय कई नेता हैं, हमारे जो समाज में सामाजिक भी है वे और नेता भी हैं, जो हमारे रायपुर से भी हैं, मास्टर जी हैं, जी हाँ सांतड़ोस से हैं, मतलब सारे के नाम किस किस के लूँगा, हमारे ये आदरणीय नेता जो है लगे हुए हैं भी समाज को एक करने में। लेकिन मेरी जो मंशा है, मेरी मंशा भी ये है भी सारा समाज एक होना चाहिए, जो हमारे 15-20 साल से जो हमारा आपसरी में किसी का भी मन मुटाव चल रहा है तो वो दूर करके, क्या सारी उम्र थोड़ी चलता रहेगा, जिंदगी में आया चले जाना है, तो हमारी जो पीढ़ी है आगे आने वाली पीढ़ी ना भोगे इस बात को। तो हमारे से चौधरी हरी सिंह सैनी है, वो भी हमारे आदरणीय आदमी है, चाहे वो दयानंद सैनी है, चाहे वो प्रीतम सैनी है, चाहे वो रवि सैनी है, जो भी है हमारे लिए सारे आदरणीय हैं, और पूरा समाज मेरा आदरणीय है, मैं तो पूरा समाज का आदरणीय मानता हूँ। हर बार मैंने दो बार चुनाव लड़े हिसार से भी बरवाड़ा से भी, तो मेरे को तो समाज ने एक तरफा 95% वोट एक तरफा दिया है। अगर कांग्रेस की बात की जाए, अगर आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं बरवाड़ा के लिए, अगर किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाती तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, जो समाज की हम दोबारा मीटिंग बुला करके उसमें जो भी निर्णय होगा मैं इनके साथ हूँ, जैसे भी ये निर्णय लेगा इनके साथ लगूंगा। हमारे साथ सर क्या नाम है आपका? मास्टर राजेंद्र सैनी। मास्टर जी, आज ये मुहिम चलाई गई है, काफी युवा इसके साथ जुड़े हुए हैं, 15 दिन से बता रहे कि ये मुहिम चल रही है, तो किस बैनर के तले या कहीं किन 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 लोगों ने ये मुहिम शुरुआत की है, और आगे क्या लगता है आपको किस प्रकार ये मुहिम कामयाब हो पाएगी? हमारे 4-5 युवा साथी हैं, भाई है, अशोक है, इंद्र जी है, और नरेंद्र गांधी है, एक मेरा छोटा भाई है, क्या नाम उसका, मनोज है, और एक साथी और भी है, 4-5 साथी है। उन युवाओं ने बहुत मेहनत की है समाज को इकट्ठा करने के लिए, पिछले 15 दिन से लगे हुए हैं, सुशील है, तो ये 5-6 युवा साथी हैं, मैं इन सबको बधाई देता हूँ, और मैं इनको इस बात का भरोसा विश्वास और यकीन दिलाता हूँ इस उपस्थित भीड़ के दम पे कि ये समाज जब आगे बढ़ेगा तो इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, उनको याद करेगा समाज की उस, इन्होंने उस समाज को इकट्ठा करने का काम किया है जो टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसका जिक्र दूर दूर तक था। अगर क्योंकि हर बार इलेक्शन से पहले तैयारियां होती हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करते हैं और सामाजिक तौर पर भी तैयारियां की जाती है, तो कहीं ना कहीं कमी पेशी रहती है खींचतान की, अगर क्या लगता है आपको इस बार वो समाज की खींचतान है वो क्या दूर हो पाएगी? बिल्कुल दूर हो पाएगी। हमारे समाज के प्रमुख स्तंभ आज यहाँ पर मौजूद थे, हमारे समाज के प्रमुख स्तंभ चौधरी हरी सिंह सैनी के पुत्र यहाँ मौजूद हैं, हरारे परिवार के प्रमुख स्तंभ और बहुत ही मतलब नेक इंसान रामवेश राणा यहाँ पर मौजूद हैं, डीएन सैनी मौजूद हैं, और हमारे यहाँ बड़े भाई प्रीतम सैनी मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत ही मतलब हमेशा मेरा साथ देने वाले भाई रतन सैनी हमारे यहाँ मौजूद हैं, और कुछ साथियों भाई रवि सैनी, भाई अनिल सैनी माननीय यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं जिनके हाथों में मैं खेला पला और बड़ा, उन सभी ने आज यहाँ पर एक विश्वास भरोसा और यकीन इस भीड़ को दिलाया है कि जो जैसा भी समाज निर्णय लेगा हम उनके साथ रहेंगे, तो अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, अगर ये ऐसा अपनी बात से मुकरेंगे तो भगवान भी कहीं ना कहीं है, वो भी देख रहा है, तो मैं इनसे ऐसा विश्वास भरोसा और यकीन उन पर रखता हूँ कि अपनी बात पर खरी उतरेंगे और अब इन समाज के नौजवानों को, इन युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह से वो समाज के योग युवा नौकरी पाते जा रहे हैं, अब हमारा समाज भी पीछे नहीं रहेगा और उनसे आगे निकल कर दिखाएगा।
जी समाज की बात की जाए तो समाज हर बार कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, आप भी मानते हैं, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरियों के क्षेत्र में हो, तो किस प्रकार से समाज को और आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि अगर बात की जाए कुछ झगड़ों की तो कहीं ना कहीं नाम आता है समाज का भी, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार से समाज के युवाओं की सोच बदली जा सकती है, किस प्रकार से समाज के युवाओं को और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तरह के कार्यक्रम आप किस प्रकार करेंगे आने वाले समय में, ऐसी किस प्रकार की तैयारियाँ करेंगे, जिस प्रकार की आज आपने समाज को इकट्ठा करने की आज एक कार्य किया है, इस प्रकार की तैयारियाँ और आगे किस प्रकार करेंगे? हम लोग भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज है और हमें कुछ क्षेत्रों में कुशवाहा के नाम से भी जाना जाता है, तो हम क्षत्रिय वंश से सूर्यवंशी लोग हैं हम लोग, और हमारा मुख्य पेशा खेतीबाड़ी रहा, तो अब हमारे लोग बिजनेस में भी आ गए हैं और सर्विस में भी आ गए हैं, और हमारे लोग बहुत ही पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, अब वो लोग एक समाज में मुहिम चलाए हुए हैं, लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए बड़े बड़े दानवीर हैं हमारे समाज में, उन्होंने भी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, समय समय पर दान दिया, और हमारे साथी भी MBA MSc डॉक्टर और इंजीनियर निकल रहे हैं जो समाज को लगातार, जिनके अंदर एक जोश और जज्बा है कि वो समाज के लिए कुछ करके जाए, क्योंकि जाना एक दिन इस संसार में जो आया है उसमें जाना भी है, लेकिन सभी का एक प्रण है कि समाज को कुछ ना कुछ देके जाए, तो अब ये समाज ज़्यादा टाइम तक पीछे नहीं रहने वाला, ये लोग जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं और ये जो दूसरे लोग हमारा यूज़ करते रहे, अब वो समय बहुत दूर जा चुका और वो समय बहुत नज़दीक है जब ये हम लोग यूज़ नहीं होंगे, और सभी इकट्ठा होकर के हम अपना वोट अपने ढोल में डालेंगे, और अगर बाई चांस हमें इस बार मौका नहीं मिला, हम हार भी गए, तो भी हमारी उपस्थिति इतनी होगी कि वो जो जितने हुए इतना काम नहीं करा सकेंगे, हम हारने के बाद भी इतना काम कराने में सक्षम होंगे। जी जी धन्यवाद सर। एक बात और एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवा वर्ग है उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे शिक्षा क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए, रोजगार के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए, उस पर आप किस प्रकार काम करेंगे? हम हमारे जो समाज के युवा हैं, हमारे जो समाज के लोग सर्विस में हैं, और खास करके मेरे अध्यापक भाई, उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जिसके अंदर हम सभी मिलकर सहयोग करते हैं और फ्री कोचिंग देते हैं समाज के लोगों को। हमारे पड़ोस में शीतला माता मंदिर है, उसमें देते थे, अभी हमने प्रोग्राम बनाया कि हम सैनिक स्कूल के अंदर देंगे, तो हम समाज के जो गरीब बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते, हमें चाहे अपना खून देना पड़े, अपना पसीना देना पड़े, अपनी जान देनी पड़े, हम उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहे किस भी हद तक जाना पड़े, हम समाज का जिसे भी हमें पता चलेगा कि हमारे समाज का युवा सक्षम है, ये आगे बढ़ सकता है, हम उसको दिलो जान से आगे बढ़ाएंगे, और हमारे जो नेता हैं वो भी अब ये प्रण ले चुके हैं कि अब समाज पीछे नहीं रहना चाहिए। जी जी धन्यवाद सर। और एक बात आपको कहना चाहूँगा कि हमारे समाज की अगली मीटिंग संडे को, आने वाले संडे को, मेरी ख्याल से 29 सितंबर को शाम को 4 बजे सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुलाई गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सैनी समाज के तमाम लोगों से, खास करके हासी हिसार और बरवाड़ा के लोगों से आह्वान करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के इन पार्टियों पर दबाव बनाए कि हमारे समाज को टिकट दे, वरना ये समाज सांझा मोर्चा बना करके अपना आजाद प्रत्याशी जितवाने की भी क्षमता रखता है और विधानसभा में अपनी आवाज गुंजाने की क्षमता रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, SV न्यूज इंडिया सच्चा वाक्य। आज हम पहुंचे हैं हिसार क्षेत्र के सैनी मोहल्ले में, जहां पर सैनी हथाई कहा जाता है, वहां पर आज एक मीटिंग बुलाई गई है सैनी समाज की तरफ से, जहां पर हिसार हासी और बरवाला क्षेत्र से सैनी समाज के प्रमुख लोग वो यहां पर उपस्थित हैं, और उनका एक कार्यक्रम चल रहा है, उनकी मीटिंग ये चल रही है कि जिसके अंदर ये निर्णय लिया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट कौन होगा, और उनका ये कहना है कि सैनी समाज से कोई भी पार्टी हो, वो सैनी समाज से हमारे समाज से टिकट दे, अगर पार्टी सैनी समाज से टिकट देती है तो हम सारा समाज उसके साथ होगा, अगर सैनी समाज से पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम चाहे आज़ाद लड़वाना पड़े, हमारा आज़ाद कैंडिडेट उतारेंगे और वो जो है आने वाले विधानसभा इलेक्शन को लड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि आपको बता दें कि सैनी समाज की तादाद भी यहाँ अच्छी है, अगर हिसार क्षेत्र की बात की जाए तो 20 से 22 या 25 के लगभग हज़ार 20-25 हज़ार के लगभग यहाँ पर सैनी समाज के लोग हिसार क्षेत्र में है। ऐसी बात की जाए हासी क्षेत्र में तो हासी क्षेत्र में भी 25 के आसपास यहाँ पर सैनी समाज के लोग हैं, और बरवाला क्षेत्र में 15 के आसपास सैनी समाज के लोग हैं, इनकी काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर वोट बैंक की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है, और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में इस चीज़ का बड़ा ही फर्क पड़ सकता है, तो इसीलिए ये सारा समाज एक होकर के टिकट की दावेदारी कर रहा है, विभिन्न पार्टियों से टिकट की दावेदारी कर रहा है, और जो पार्टी
इनका कहना है कि जो पार्टी मजबूत पार्टी होगी, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, सभी पूरा का पूरा सैनी समाज उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके साथ जुड़ करके कार्य करेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको बाकी सारी सैनी समाज के प्रमुख लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जब तक हम नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए सबसे